ताकि को क्या बात है, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, मैन ऑफ द मैच। बिल्कुल आज के तो यही मैन ऑफ द मैच है। बिल्कुल हमने नहीं सोचा था, किसी ने नहीं सोचा होगा कि कार्तिक त्यागी इतने अनुभवी गेंदबाज भी नहीं, कार्तिक त्यागी ऐसा कर सकते हैं। और ये देखिए मुकाबला जीत गए, राजस्थान रॉयल्स 2 रनों से ये मुकाबला जीत गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर बहुत सारे लोगों ने तो अपने जो कॉमेंट्री सुनना बंद भी कर दिया होगा, बहुत लोगों ने टीवी सेट्स बंद कर दिए होंगे राजस्थान रॉयल्स की बात करें, लेकिन जैसे ही उनको कल पता चलेगा कि उनकी टीम जीत गई तो बिल्कुल एक बार जरूर हाईलाइट देखेंगे और देखेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो भी पूछेंगे। लेकिन कार्तिक त्यागी ने क्या कर दिया, मजा आ गया, मजा आ गया कार्तिक त्यागी, मजा आ गया। मुझे एक बार जब 19वां ओवर था, 20वां ओवर दिया तो कार्तिक त्यागी को जैसे दिया मुझे लगा मैच समाप्त हो गया, लेकिन इस बंदे ने तो कमाल कर दिया, इस बंदे ने कमाल कर दिया, इस खिलाड़ी ने आज कमाल कर दिया है। और मेरी तरफ से मैंने, मुझे लगता है मैंने तो मैच यही आज के, तो आज का मुकाबला यही था कि पंजाब और राजस्थान का बहुत ही बेहतरीन मुकाबला हुआ, बहुत अच्छा मुकाबला हुआ और बहुत ही रोमांचक मुकाबला। लास्ट ओवर में अंतिम गेंद पे फैसला हुआ और वो देखिए पंजाब को तो बहुत कष्ट हो रहा होगा, पंजाब किंग्स को तो बहुत ही ज़्यादा निराशा आज हो रही होगी, खुद कप्तान और जो सलामी बल्लेबाज है उनको बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा होगा। लेकिन क्या करें, क्रिकेट का खेल है, कुछ भी हो सकता है। और वही हुआ, राजस्थान रॉयल्स की टीम आज ये मुकाबला जीत गई 2 रनों से और पंजाब की टीम जीतते जीतते ये मुकाबला हार गई। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के कमेंट्री में बस इतना ही। और कल का मुकाबला है, मैं आपको कल किसका मुकाबला मैं आपको बता रहा हूँ, कल किसका मुकाबला है आपको, कल मुकाबला है ये मुकाबला तो राजस्थान और पंजाब के बीच का। अगला मुकाबला है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगला मुकाबला है और अब देख लें थोड़ा पॉइंट्स टेबल पे चलते हैं, पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस हो गए पॉइंट्स टेबल में। देखिए हैदर, बात करें राजस्थान रॉयल्स की, राजस्थान रॉयल्स 8 मैचेस 4 जीते हैं और ये देखिए पंजाब की टीम बहुत नीचे आ गई, बहुत नीचे आ गई। देखिए जीता हुआ मुकाबला हार गई आज 2 रनों से, मात्र कितना कष्ट होता होगा। बिल्कुल, और कार्तिक त्यागी, मजा आ गया था करके इस खिलाड़ी को, कार्तिक त्यागी मैन ऑफ द मैच आज के बिल्कुल वही होंगे। मैं चेक करूंगा बाद में कि किसको मैच मैन ऑफ द मैच दिया गया है। और अब मैं अब देख लेता हूँ कल का मुकाबला किसके बीच में है। कल और कल का मुकाबला है ठीक 7:30 बजे हम उपस्थित होंगे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से। मुकाबला आपको आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं दीपक कुमार सिंह तैयार रहूंगा। ठीक 7:30 बजे कल का मुकाबला है, दिल्ली कैपिटल्स का है सनराइजर हैदराबाद के बीच में। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो मैचेज हुए हैं उसमें शायद दिल्ली कैपिटल सनराइजर हैदराबाद का पहला मुकाबला होगा, 5वां मुकाबला है और ये पहला मुकाबला है दिल्ली कैपिटल और सनराइजर हैदराबाद का। COVID-19 के बाद ये दूसरे संस्करण में, इसके बाद जो रिशेड्यूल हुआ उसमें ये दूसरा मुकाबला है। तो आज के लिए बस इतना ही और हम कल फिर मिलते हैं ठीक 7:30 बजे इसी चैनल पे। आपको मैं लिंक और डिटेल शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक 7:30 बजे मुकाबला लेकर हम आएंगे और कल कोई टेक्निकल इश्यू कोई नहीं होगा, सब कुछ तैयारी है हमने कर ली है, सब कुछ रेडी है और कल हम फिर से लाइव कमेंट्री के साथ आपके पास आएंगे। तो कैसा लगा आपको मेरी कमेंट्री आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप लाइक कमेंट और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करिएगा और COVID-19 वैक्सीनेशन जरूर करवाइएगा। अपने जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड हैं, सर्कल्स में, फ्रेंड सर्कल में आपके जो घर पे हैं सभी सदस्यों को वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। और ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और वैक्सीनेशन सेंटर में भी जा करके वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट और कल हम फिर मिलते हैं ठीक 7:30 बजे।